ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, व्हाट वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग आई थिंक, है ना। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग क्या होती है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था मैंने सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के बारे में। ठीक है, सबमर्ज की स्पेलिंग एक बार करेक्ट कर लेना, थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें, SUBMERGED होगा, है ना, SUBMERGED। तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग की स्पेलिंग थोड़ी सी करेक्ट कर लेना। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मेरे लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी सी ब्लैक हो गई है। हाँ, अभी ठीक है। तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग ये करेक्ट कर लेना, और ये वर्किंग किस तरीके से होती है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, है ना। बस इसमें थोड़ा सा करेक्शन ये करना है, लास्ट में जो करेक्शन बताए थे वो तो ठीक है। पहला तो इसमें करेक्शन ये है कि जो ड्राइव मोटर है, इस ड्राइव मोटर से एक वायर ले जा करके आप लोग कनेक्ट कर देंगे रोल्स से, ड्राइव रोल्स जो लगे हैं एक वायर ले जा करके, या कनेक्शन जो है ड्राइव रोल से कनेक्ट कर देंगे। दूसरा क्या करना है, ये जो आपका फ्लक्स हॉपर दिख रहा है, ये फ्लक्स हॉपर खाली है, इस फ्लक्स हॉपर को फ्लक्स से भरना है, और फ्लक्स आपके ग्रेन्स की फॉर्म में होंगे। ठीक है, ग्रेन्स मतलब छोटे छोटे बबल्स यहाँ बना देंगे, छोटे छोटे ग्रेन्स यहाँ बना देंगे, और उन ग्रेन्स से आपका फ्लक्स भरा होगा। ठीक है, उन ग्रेनुलर फ्लक्स से आपका ये जो हॉपर है भर देंगे इस हॉपर को। ठीक है, साथ ही साथ ये जो ग्रेनुलर फ्लक्स का कुछ पोर्शन आप यहाँ जो आपकी आर्क जहाँ जनरेट हो रही है, आर्क वेल्डिंग जहाँ हो रही है, वहां चारों ओर बना देंगे फ्लक्स को, ग्रेन्स को। क्योंकि इस वाली वेल्डिंग में मैंने आपको बताया था कि आपकी आर्क दिखती नहीं है, और जो ग्रेनुलर फ्लक्स होते हैं उस ग्रेनुलर फ्लक्स में आपकी आर्क क्या होती है, डूबी हुई होती है। ठीक है, तो ये वाली चीजें करेक्ट करनी है। ये आपके बीच में वेल्ड है, मोल्टन मेटल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये जो आप देख रहे हो इलेक्ट्रोड वायर आपका ऊपर जा रहा है, इस इलेक्ट्रोड वायर को आपको स्पूल के अंदर कनेक्ट कर देना है। वायर स्पूल जो होती है, उस एक वायर स्पूल बना देंगे, और जैसे ही वायर आप देखोगे रोलर के नीचे एक ब्लॉक बना हुआ है ना, हैचिंग जिसमें हो रही है, ये होता है आपका इलेक्ट्रोड कंट्रोल, ELECTRODE, इलेक्ट्रोड कंट्रोल, CONTROL, ये आपका इलेक्ट्रोड कंट्रोल है। ठीक है, इसके ही थ्रू आपका जो वायर होता है वो पावर सप्लाई से कनेक्टेड होता है। आपका जो इलेक्ट्रोड वायर है वो इलेक्ट्रोड वायर इस इलेक्ट्रोड कंट्रोल के थ्रू ही पावर सप्लाई से कनेक्टेड होता है। ठीक है, किस तरीके से वेल्डिंग होती है इस वाले में, तो मैं आपको ये लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन्ड मोड में पढ़ेंगे किस तरीके से वेल्डिंग हमारी होती है। ठीक है, जिप क्लियर। ये आपकी आर्क दिख रही है, यहाँ पे बीच में आर्क जनरेट हो रही है, सबमर्ज्ड आर्क हो गई, और ये बाहर आपका यहाँ पर आप बना दोगे, ये आपको ग्रेनुलर फ्लक्स बना देंगे यहाँ पर। ठीक है, आप लिख देंगे ग्रेनुलर फ्लक्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि ये वाली जो वेल्डिंग है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या की पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वेल्डिंग होती है आपकी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, इसमें आप पहला पॉइंट है ग्रेनुलर फ्लक्स यूज करते हैं। कैसा फ्लक्स? ग्रेनुलर, GRANULAR, ग्रेनुलर फ्लक्स हम इसमें यूज करते हैं, ग्रेन्स की फॉर्म में होता है आपका फ्लक्स। दूसरा पॉइंट, आपकी आर्क जो होती है, इलेक्ट्रिक आर्क जो होती है, वो इस ग्रेनुलर फ्लक्स में डूबी हुई होती है। इलेक्ट्रिक आर्क इज सबमर्ज्ड इन दिस ग्रेनुलर फ्लक्स। ठीक है, तीसरी पॉइंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, तीसरी बात यह है कि ये जो वेल्डिंग होती है आपकी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ये सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग आप यूज करते हो टू वेल्ड हाई थिकर मटेरियल। तो हाँ, बाकी चीजें फिर बाद में डिस्कस करते हैं। अब हम जो भी मैंने कल आपको बताया था कि किस तरीके से वेल्डिंग होती है इसमें, वो सारे पॉइंट्स अब हम जो मैंने कल बताया था, या कल मतलब लास्ट वाले लेक्चर में जो बताया था, अब वही पॉइंट यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, तो वन बाय वन वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपकी पावर सप्लाई है, ट्रांसफॉर्मर एक तरीके से लगा होता है, ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, और ट्रांसफॉर्मर के अंदर ही इसमें कनेक्शन होते हैं, क्योंकि इसमें हमें चाहिए लोड, एक होता है स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, तो ज्यादातर हम वेल्डिंग में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। कौन सा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसमें हम वोल्टेज को तो कम कर देते हैं और करंट को जो होता है आपका आई उसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इसमें 200 एम्पियर से लेकर के 2000 एम्पियर तक का करंट हम इसमें यूज करते हैं, 200 एम्पियर से 2000 एम्पियर तक का करंट हम इसमें यूज करते हैं, करंट सप्लाई जो है इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो लेट अस डिस्कसिंग विद द पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस वेल्डिंग। तो
इन दिस वेल्डिंग, इस वेल्डिंग में क्या होता है, आर्क इज नॉट विजिबल, ठीक है, वी आई एस आई बी एल ई, इस वेल्डिंग में आर्क जो हमारी होती है, इलेक्ट्रिक आर्क होती है, इज नॉट विजिबल, वो दिखाई नहीं देती है, पहला पॉइंट, इन दिस वेल्डिंग आर्क इज नॉट विजिबल, एंड और क्या होता है, इज सबमर्ज्ड इन द ग्रेनुलर फ्लक्स, आपकी जो आर्क है वो दिखाई नहीं देती है और डूबी हुई होती है किसमें, ग्रेनुलर फ्लक्स के अंदर, ठीक है, देयरफॉर इसलिए दिस वेल्डिंग इज कॉल्ड सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो इस वेल्डिंग को हम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस वेल्डिंग में हमें आर्क दिखाई नहीं देती है और वो जो आर्क होती है हमारी वो ग्रेनुलर फ्लक्स के अंदर डूबी हुई होती है, इसीलिए इस वेल्डिंग को हम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। दिस वेल्डिंग इज कॉल्ड सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग बिकॉज इन दिस वेल्डिंग द आर्क इज नॉट विजिबल एंड इट सबमर्ज्ड इन द ग्रेनुलर फ्लक्स। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना है कि क्यों इस वेल्डिंग को हम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। इज इट क्लियर, पहला पॉइंट समझ में आ गया। नाउ लेट्स स्टार्टिंग विद द पॉइंट नंबर टू। वन टर्मिनल, टर्मिनल की स्पेलिंग गलत लिखी है, TER होगा, ठीक है, TERMINAL, वन टर्मिनल ऑफ पावर सप्लाई इस वेल्डिंग में क्या होगा, वन टर्मिनल, तो इसमें क्या होगा, वन टर्मिनल ऑफ पावर सप्लाई इज कनेक्टेड टू द वायर इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस वेल्डिंग में पावर सप्लाई का एक इलेक्ट्रोड वायर, एक जो टर्मिनल होता है वो वायर इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होता है, किसके द्वारा, थ्रू किसके द्वारा, थ्रू द स्पूल, स्पूल की जगह पर आपको लिखना है इलेक्ट्रोड कंट्रोल, इलेक्ट्रोड कंट्रोल, इलेक्ट्रोड कंट्रोल, ठीक है, ऑब्लिक स्पूल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्पूल दोनों ठीक है, SPOOL, स्पूल या इलेक्ट्रोड कंट्रोल के थ्रू। अब कैसे होता है वो मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है, दो अरेंजमेंट है, कोई भी एक अरेंजमेंट हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो जो आपका एक टर्मिनल होता है पावर सप्लाई का वो वायर इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होता है थ्रू इलेक्ट्रोड कंट्रोल और वायर स्पूल एंड या वाइल, जबकि द सेकेंड टर्मिनल ऑफ पावर सप्लाई इज कनेक्टेड टू द वर्क पीस। इसमें एक टर्मिनल जो होता है पावर सप्लाई का वो आपका कनेक्ट होता है वायर इलेक्ट्रोड से स्पूल के द्वारा या इलेक्ट्रोड कंट्रोल के द्वारा, और जो दूसरा टर्मिनल होता है पावर सप्लाई का, तो इसमें मैंने ये बताया कि एक टर्मिनल जो होता है पावर सप्लाई का वो आपका वायर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होता है किसके द्वारा, या तो इलेक्ट्रोड कंट्रोल के द्वारा या आपका जो वायर स्पूल होता है उसके द्वारा, ठीक है, और जो दूसरा टर्मिनल होता है पावर सप्लाई का वो किससे कनेक्टेड होता है, आपका वर्क पीस से, ठीक है। देख लेते हैं डायग्राम में कहां पे कनेक्टेड है, देखो ये आपकी पावर सप्लाई, ठीक है, ये पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई का देखो एक टर्मिनल कहाँ जा रहा है, आपका ये जो इलेक्ट्रोड कंट्रोल लगा हुआ है इस पे कनेक्टेड है, और इसके थ्रू आपके वायर इलेक्ट्रोड से कंट्रोल है, वायर इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है ना, और जो दूसरा टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड है, आपका वर्क पीस से, ठीक है, इज इट क्लियर, दिख रहा है, एक टर्मिनल पावर सप्लाई का आपके इलेक्ट्रोड से वर्क पीस से कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल जो आपका पावर सप्लाई का वो वायर इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है किसके द्वारा, थ्रू इलेक्ट्रोड कंट्रोल के द्वारा, या तो आप ये वाला वायर डायरेक्टली यहां कनेक्ट कर सकते हो, या ये वाला जो है डायरेक्टली आप ये वाला जो वायर है आप वायर स्पूल पे लगा सकते हैं, जो आपका वायर स्पूल है वहां पर लगा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, चाहे तो ये वाला वायर आप वायर स्पूल पे डायरेक्टली लगा सकते हैं, तो दो ऑप्शन है, लेकिन ये जो ऑप्शन इसमें दिया है उसको आपको यूज करना, इज इट क्लियर, ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर थ्री। देखो ये जो वेल्डिंग होती है ना आपकी सबमर्ज डार्क वेल्डिंग, ये आपकी सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग है, याद रखना है आपको, सबमर्ज मीन्स सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग, इट इज अ टाइप ऑफ सेमी ऑटोमेटिक, MATIC, सो दिस वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग। सेमी ऑटोमेटिक का मतलब क्या है कि इसमें जो आपका वायर इलेक्ट्रोड है, मैंने आपको बताया था कि जब वेल्डिंग होती है इसमें तो वायर जो होता है वो पिघलता जाता है, और आपको पिघलने के बाद वर्कपीस पर जो भी आप जहां पर वेल्डिंग करनी है, तो मैं ये बता रहा कि ये जो वेल्डिंग है आपकी सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग है। कैसी वेल्डिंग है? सेमी ऑटोमेटिक, जो आपकी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है वो सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग है। और इस सेमी ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है कि देखो दो चीजें होती हैं, एक तो आपका फिलर मटेरियल होता है, ठीक है, फिलर मटेरियल होता है, और दूसरा टॉर्च का मूवमेंट होता है ना, टॉर्च का मूवमेंट होता है,
मूवमेंट ऑफ द टॉर्च, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, आप जो देखो आप देख रहे होंगे कि जो आपका वायर इलेक्ट्रोड है, उस वायर इलेक्ट्रोड को हमने किससे कनेक्ट कर रखा है स्पूल में, तो बीच में रोल्स लगे होते हैं, तो जब भी आपका वायर इलेक्ट्रोड छोटा होता है तो आपका वायर इलेक्ट्रोड ऑटोमेटिकली नीचे की ओर मूव करता है, किसकी वजह से, क्योंकि रोल वहां लगे हुए हैं। जैसे ही छोटा होगा आप उसको वायर इलेक्ट्रोड को इधर मूव करा देंगे वर्कपीस की ओर, तो वो काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। लेकिन जब आप अपने इलेक्ट्रोड को फीड कराना पड़ेगा लेफ्ट में या राइट में, ठीक है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में जब आप उसको फीड कराएंगे मूव कराएंगे, तो उस वाले केस में आपको मैनुअली काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी जो सबमर्ज डार्क वेल्डिंग है वो आपकी सेमी ऑटोमेटिक होती है, जिसमें इलेक्ट्रोड का फीड जो होता है, इलेक्ट्रोड की जो फीड होती है वर्कपीस की तरफ, वो तो ऑटोमेटिक रहती है, लेकिन जब आप वर्कपीस के लेफ्ट में या राइट में जब मूव करते हैं उसको इलेक्ट्रोड को, ठीक है, अपने टॉर्च को या जो भी इलेक्ट्रोड है, तो वो आपको मैनुअली करना पड़ता है, ठीक है। तो दैट्स वाई वी कॉल दिस वेल्डिंग एज अ सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग, ठीक है। चलिए और इम्पोर्टेंट चीज है, बाद में बताऊंगा इसकी, ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो तीसरा पॉइंट है एन ऑटोमेटिक फीड, फील्ड लिखा है ये गलत है, एफ डबल ई डी फीड, ठीक है। एन ऑटोमेटिक फीड इज गिवन टू द इलेक्ट्रोड, वायर इलेक्ट्रोड जो होगा उस वायर इलेक्ट्रोड को कौन सी फीड दी जाएगी, एफ डबल ई डी, फीड का मतलब होता है खिलाना या देना, मूव कराना, ठीक है, फीड का मतलब मूव कराना, जैसे खाना खिलाते हैं ना चम्मच से स्पून से, ऐसे ही फीड करते हैं वायर को। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आर्क जनरेट होती है, डायग्राम में देखिए, आर्क जनरेट होगी तो उस आर्क की हीट की वजह से आपका जो वायर इलेक्ट्रोड है वो छोटा हो जाएगा, वर्कपीस के पास क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि रोलर लगे होते हैं, और जैसे ही आपका वायर छोटा होगा तो रोलर इनको नीचे वर्कपीस की तरफ फीड कर देते हैं, वर्कपीस की ओर क्या कर देते हैं, फीड कर देते हैं, तो वो गैप मेंटेन रहता है ना, एफडब्ल्यूडी फीड रहते हैं, तो वही काम होता है। तो ऑटोमेटिक फीड कौन देता है, रोलर्स, रोल्स के थ्रू हम ऑटोमेटिक फीड वायर को देते रहते हैं, ठीक है। तो वही पॉइंट लिखा है, एन ऑटोमेटिक फीड इज गिवन टू द इलेक्ट्रोड यूजिंग मोटर, ठीक है, मोटर के थ्रू कनेक्टेड टू द स्पूल और रोल्स। या तो आप उस मोटर को डायरेक्टली स्पूल से कनेक्ट कर देंगे, जिससे स्पूल, जैसे ही आपकी स्पूल घूमेगी, जो चक्री जिसमें आपका वायर इलेक्ट्रोड वायर रैप्ड है, लिपटा हुआ है, तो आप चक्री को घुमाएंगे, स्पूल को घुमाएंगे, तो आपका वायर वहां से निकलना स्टार्ट हो जाएगा जब आप मोटर डायरेक्टली कनेक्ट कर दिए। या आप क्या करेंगे, चक्री को आपने फ्री छोड़ दिया है और जो वायर है आपका रोल्स के थ्रू पास हो रहा है, रोल्स जो है उन रोल्स के बीच में से वायर पास हो रहा है आपका, तो ये रोल घूमेंगे तो आपका वायर भी वर्कपीस की ओर मूव करना स्टार्ट करेगा। इसीलिए मैंने लिख दिया कनेक्टेड टू द स्पूल और रोल्स, ठीक है। ऑटोमेटिक फीड किसको दी जाती है, इलेक्ट्रोड वायर को, किसके थ्रू, बाय द मोटर, और जो मोटर आपकी वायर स्पूल से कनेक्टेड होगी या रोल से कनेक्टेड होगी, इसके थ्रू आप ऑटोमेटिक फीड वायर को दे सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट आई थिंक समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट में क्या लिखना है, फोर्थ पॉइंट में, व्हेन इलेक्ट्रिक सप्लाई इज ऑन, जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन करते हैं, स्मॉल ओ एन नहीं होगा, कैपिटल ऑन होगा, ठीक है, कैपिटल ओ एन, व्हेन इलेक्ट्रिक सप्लाई इज ऑन, जब आप इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन करते हैं, कॉमा, वायर इलेक्ट्रोड मूव्स टुवर्ड द वर्कपीस। तो टुवर्ड की स्पेलिंग गलत लिखी है, टुवर्ड की स्पेलिंग होगी टी ओ डब्ल्यू ए आर डी, टुवर्ड का मतलब होता है के तरफ, ठीक है, टुवर्ड का मतलब क्या होता है, के तरफ, के तरफ। तो क्या होगा, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन करते हैं, देन वायर इलेक्ट्रोड मूव्स टुवर्ड्स द वर्कपीस, तो आपका जो वायर इलेक्ट्रोड है वर्कपीस की ओर मूव करना स्टार्ट करता है, एंड आर्क इज बीइंग जनरेटेड, जनरेटेड में जी आएगा जे नहीं आएगा, इसको करेक्ट कर लेना, एंड द आर्क इज बीइंग जनरेटेड, और आपकी आर्क जनरेट हो जाती है, किस वजह से, ड्यू टू द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। रिमेम्बर, जो इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होती है वो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से होती है, ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होती है। तो क्या होगा, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन की, इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन करने से क्या होगा, जो आपका वायर इलेक्ट्रोड है वो वर्कपीस की ओर मूव करना स्टार्ट कर देता है, और आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई, सॉरी, वर्कपीस की ओर मूव करना स्टार्ट कर देता है, और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक आर्क आपकी जनरेट हो जाती है, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट हो जाएगी आपका, दूसरा साथ ही साथ क्या हो जाएगा, वी ऑल्सो सप्लाई
ग्रेनुलर फ्लक्स, एफ एल यू एक्स, स्पेलिंग गलत लिखी है इसको करेक्ट कर लेना, फ्लास्क लिखा है ये, स्पेलिंग होगी एफ एल यू एक्स फ्लक्स। तो हम क्या करते हैं, ग्रेनुलर फ्लक्स को हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं कॉन्टिन्यूसली, लगातार सप्लाई करते हैं, इन विच द आर्क इज सबमर्ज्ड, जिसमें कि आपकी आर्क जो है वो डूबी हुई होती है। समझ में आ रहा है, आर्क आपकी जनरेट हो चुकी है, तो साथ ही साथ हम क्या करते हैं, ग्रेनुलर फ्लक्स भी हम सप्लाई करते हैं ग्रेनुलर हॉपर से, फ्लक्स हॉपर से। तो कॉन्टिन्यूसली जब हम फ्लक्स की सप्लाई करते हैं तो क्या होगा, आपकी जो आर्क होगी वो उस फ्लक्स के अंदर डूब जाएगी, सबमर्ज्ड हुई होगी। ठीक है, पांचवें पॉइंट में क्या होता है, वी ऑल्सो सप्लाई ग्रेनुलर फ्लक्स, हम ग्रेनुलर फ्लक्स भी सप्लाई करते हैं लगातार, कॉन्टिन्यूसली लगातार सप्लाई करते हैं, जिसमें कि इन विच, जिसमें द आर्क इज सबमर्ज, जिसमें कि आपकी आर्क डूबी हुई होती है। ठीक है, डूब जाती है। लास्ट पॉइंट है सिक्स, ड्यू टू दिस, इस आर्क की वजह से क्या होगा, वायर इलेक्ट्रोड मेल्ट, आपका जो वायर इलेक्ट्रोड है वो पिघल जाता है एंड और डिपॉजिटेड ऑन द वर्क पीस, और जो वर्क पीस है उस वर्क पीस पर डिपॉजिट हो जाता है एंड द वेल्डिंग इज कम्प्लीटेड, और आपकी वेल्डिंग हो जाती है। ठीक है, वर्किंग समझ में आ गई, किस तरीके से वर्किंग आपकी होती है। हाँ जी, इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इससे रिलेटेड बता देता हूँ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखो, इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यही भी हो सकती हैं, आप इसमें से निकाल सकते हो एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। देखो, पहली बात तो दिक्कत यह है कि ये जो वेल्डिंग है, दिस वेल्डिंग इज लिमिटेड टू द हॉरिजॉन्टल कंडीशन ओनली। ठीक है, लिमिटेड टू यूज इन हॉरिजॉन्टल पोजिशन, लिमिटेड LIMITED, लिमिटेड टू यूज USE इन हॉरिजॉन्टल कंडीशन या हॉरिजॉन्टल पोजिशन, HORIZONTAL, इन हॉरिजॉन्टल पोजिशन। मतलब अगर आप वेल्डिंग करेंगे हॉरिजॉन्टल कंडीशन में लेफ्ट या राइट की तरफ तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप वेल्डिंग करना चाहेंगे टॉप या बॉटम की तरफ, ऊपर या नीचे की तरफ, अप या डाउन में वेल्डिंग करना चाहेंगे, तो आप ये वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप, मैंने इसमें बताया कि आपकी जो आर्क होती है वो फ्लक्स में डूबी हुई होती है, तो भाई फ्लक्स को वर्टिकली और डाउनवर्ड, मतलब ऊपर और नीचे थोड़ी ना मूव करा पाएंगे हम। आपका फ्लक्स तो नीचे हॉरिजॉन्टल कंडीशन में ही रखा रहेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा रहेगा। इसीलिए ये एक इसकी एडवांटेज है कि हम इस वेल्डिंग को केवल हॉरिजॉन्टल पोजिशन में कर सकते हैं, वर्टिकल पोजिशन में इस वेल्डिंग को नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आर्क लेंथ क्या होती है, व्हाट इज आर्क लेंथ, ARC आर्क लेंथ क्या होती है। आर्क लेंथ क्या होगी, आपका इलेक्ट्रोड आ रहा होगा ऊपर से, इलेक्ट्रोड, ठीक है, ऊपर क्या होगा आपका इलेक्ट्रोड, मैंने बताया आपका इलेक्ट्रोड आया, और नीचे आपका वर्क पीस होगा, नीचे आपका वर्क पीस होगा। तो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस, वर्कपीस में मैंने आपको बताया जब कॉन्टिन्यूसली वेल्डिंग होगी तो वेल्ड पूल बन जाता है यहाँ पर। एक तो एक जब हम वेल्डिंग करते जाते हैं एक तरफ तो वेल्ड बीड इकट्ठा होती जाती है, और दूसरी तरफ क्या होता है आपका एक कंडीशन पे आपका वेल्ड पूल बन जाता है, यहाँ पर वेल्ड पूल बन जाता है। ठीक है, जहां पर आपका मोल्टन मेटल कंडीशन में रहता है, आपका वेल्ड जो होता है या मेटल जो होता है वो मोल्टन कंडीशन में रहता है, तो जो आपका वेल्ड पूल होता है उसके सेंटर से, वेल्ड पूल के सेंटर से लेकर के, और जो आपका इलेक्ट्रोड होता है वेल्ड पुल के सेंटर से लेकर के इलेक्ट्रोड जो होता है उसके एंड पॉइंट तक की डिस्टेंस को आर्क लेंथ बोला जाता है। ठीक है, आर्क लेंथ कहां तक की डिस्टेंस होगी, जहां से आपका इलेक्ट्रोड आर्क जनरेट कर रहा है और वेल्ड पुल का सेंटर वाला पॉइंट, उसके बीच की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, आर्क लेंथ बोला जाता है। ठीक है, चलिए एक और एडिशनल पॉइंट बताता हूं। देखो, जब भी हमें हाईली थिक, किसी भी लेंथ का वर्कपीस, एनी लेंथ, ANY लेंथ, एनी लेंथ विद हाई थिकनेस, हाई थिकनेस वर्कपीस कैन बी वेल्ड थ्रू दिस टेक्निक।
मतलब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसी भी लेंथ का वर्क पीस, बहुत मोटा वर्क पीस हो, जब उसकी थिकनेस काफी ज्यादा हो, तो कौन सी वेल्डिंग सुटेबल रहती है, आपका आंसर होगा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग को हम हाई थिकनेस मटेरियल को वेल्ड करने के लिए स्पेशली यूज करते हैं, जब आपका वर्क पीस की थिकनेस ज्यादा होगी उस केस में हम क्या करेंगे, इस वाली वेल्डिंग को यूज करेंगे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, इसमें जो मेटल डिपोजिशन रेट होता है बहुत ज्यादा होता है, मेटल डिपोजिशन DEPOSITION, जो आपका मेटल डिपोजिट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, हाई मेटल डिपोजिशन रेट होता है इसमें, मेटल डिपोजिशन रेट इज हाई। भाई जब थिकनेस ज्यादा होगी तो आप बहुत ज्यादा मटेरियल एक बार में इकट्ठा कर पाएंगे ना, वहाँ पे कलेक्ट, वहाँ पे डिपोजिट करना चाहेंगे, इकट्ठा करना चाहेंगे, इसीलिए हाई डिपोजिशन मेटल डिपोजिशन रेट हमें इस वेल्डिंग में मिलता है। दूसरा ये हो गया पॉइंट, एक और पॉइंट याद रखना है, हाई वेलोसिटी वेल्डिंग होती है इसमें, ठीक है, मेटल डिपोजिशन ज्यादा होता है तो हाई वेलोसिटी, हाई वेल्डिंग स्पीड, काफी तेजी से आप वेल्डिंग कर सकते हैं इसमें, हाई वेल्डिंग स्पीड कैन बी ऑप्टेन इन दिस वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में मैंने बताया था कि मोटा वर्क पीस आप इजिली ज्वाइन कर सकते हो किसी भी लेंथ का हो, एक और बताया कि मेटल डिपोजिशन रेट इस वेल्डिंग में बहुत ज्यादा होता है, एक और पॉइंट मैंने ये बताया कि हाई वेल्डिंग स्पीड, जब आप वेल्डिंग करोगे तो हाई वेल्डिंग स्पीड इसमें मेंटेन कर सकते हो, हाई वेल्डिंग स्पीड से इसमें कर सकते हैं वेल्ड, और हाई डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, हाई डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, हाई डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, इसका मतलब भी ये होगा कि अगर ज्यादा हाई डेप्थ, इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो वेल्डिंग होगी, अगर कोई थिकनेस, ज्यादा थिकनेस का वर्क पीस है तो ये उसको भी इजिली वेल्ड कर सकता है, ठीक है, हाई डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और ये आप बोल सकते हो की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली आरआरबी जेई और एसएससी जेई में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। यस सर, चलिए और लेंथ हो गया, तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए। हॉरिजॉन्टल कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। एक और पॉइंट है, हीट अफेक्टेड जोन इसमें हाई होता है, HAZ जिसको हम हीट अफेक्टेड जोन बोलते हैं, हीट अफेक्टेड जोन कैसा रहता है इसमें बहुत ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि देखो आप वेल्डिंग करते हैं केवल उसके आसपास का एरिया नहीं, कुछ ज्यादा एरिया भी वहां इसकी हीट से अफेक्टेड रहता है। जैसे मैंने बोला कि अगर कोई एक पर्सन है, एक पर्सन के घर के आसपास कोई बम मान लिया के फूट गया है, ठीक है, तो उस बम का इफेक्ट आसपास के एक पर्टिकुलर एरिया तक रहता है, तो वो एरिया जो इसमें रहेगा वो ज्यादा होता है। जब वेल्डिंग करेंगे तो ऐसा नहीं कि वेल्डिंग करते टाइम जहां वेल्डिंग करते हैं वही एरिया अफेक्टेड रहता है इसकी हीट से, नहीं, उसके आसपास का कुछ ज्यादा एरिया भी वो भी इसकी हीट से अफेक्टेड रहता है, उसको हीट अफेक्टेड जोन बोलते हैं। वेल्डिंग जब आप करेंगे, मान लिया वेल्ड करके आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया, ठीक है, तो इसके आसपास का जितना एरिया जो इस वेल्ड की हीट से, इस वेल्डिंग की हीट से अफेक्टेड रहता है उसको हीट अफेक्टेड जोन बोलते हैं, HAZ बोलते हैं, ठीक है, हीट अफेक्टेड जोन, तो वो इसमें ज्यादा होता है। और एक बात मैंने बताई थी कि ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ये वाली वेल्डिंग सुटेबल रहती है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो लार्ज डायमीटर शेल होते हैं आपके, जैसे बॉयलर हो गया, ठीक है, बॉयलर में बहुत सारे सेल को आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो बॉयलर बनाने में ये वाली वेल्डिंग बहुत ज्यादा यूज होती है। अगला, शिप बिल्डिंग में, जब जहाज बनाते हैं शिप बिल्डिंग में, उसमें भी इसका बहुत बड़ा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होती है ये वाली वेल्डिंग। शिप बिल्डिंग में और बॉयलर मेकिंग में हम इस वेल्डिंग को यूज करते हैं, ठीक है। की पॉइंट्स जो है मैंने आपको बता दिए, और याद रखना इसमें कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन। इस वाली वेल्डिंग में ज्यादातर जो वेल्डिंग होती है उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, क्योंकि हमें करंट कितना चाहिए होता है, हाई करंट होता है, आई ज्यादा चाहिए होता है, लगभग 200 से 2000 इसमें रहता है, 200 एम्पियर से 2000, 200 से 2000 एम्पियर करंट यहाँ पर हम सप्लाई करते हैं। वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम रहती है, ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो इस वेल्डिंग से रिलेटेड है, मैंने आपको बता दे दिया, ठीक है, किस तरीके से वेल्डिंग होती है, तो आपको एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन ये जरूर लिखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं,
अगला जो टॉपिक है आपका वो है डिफरेंस बिटवीन TIG ऑब्लिक TG GTAW एंड MIG ऑब्लिक GMAW। देखो TIG और MIG वेल्डिंग अगर आपने नाम नहीं सुना होगा तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं इसको बोलूंगा आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। TIG और MIG से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देखना। अब देख लेते हैं कि TIG की फुल फॉर्म क्या है। देखो जब भी TIG MIG से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, TIG MIG से क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो पूछ लीजिएगा व्हाट इज TIG वेल्डिंग, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद सुटेबल डायग्राम, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, और या MIG का इस तरीके से बन सकता है, या उन दोनों के बीच में डिफरेंस बन सकता है, ठीक है। तो मैं क्या कराऊंगा आपको, मैं इन दोनों वेल्डिंग्स के बीच में डिफरेंस बता दूंगा। अब क्वेश्चन में जब TIG पूछा जाएगा तो आप TIG के तरफ वाले पॉइंट लिख देंगे, उसका डायग्राम बना देंगे, उसका एप्लीकेशन लिख देंगे, और जब MIG पूछा जाएगा तो आप MIG वाला डायग्राम बना देंगे, उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी वर्किंग और उसका डायग्राम बना देंगे, उसका एप्लीकेशन बता देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं डिफरेंस बताऊंगा, जब TIG पूछा जाएगा तो TIG वाले पॉइंट लिख देंगे, MIG पूछा जाएगा तो MIG वाले पॉइंट लिख देंगे, और जब डिफरेंस पूछा जाएगा तो डिफरेंस तो मैं आपको बता ही रहा हूं, ठीक है। डिफरेंस में तो ये डायरेक्टली एज इट इज लिख जाएगा, ठीक बताइए, समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, यस सर। तो अब देख लेते हैं, देखो सबसे पहले इनके नाम लिख देख लेते हैं, इनके डिफरेंस तो इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछे भी गए हैं। तो देखो TIG वेल्डिंग को GTAW भी बोला जाता है, इसीलिए मैंने ऑब्लिक लगा दिया है, TIG ऑब्लिक GTAW एंड, और MIG वेल्डिंग जो होती है उसको GMAW बोला जाता है। अब इनकी फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, देखो TIG की फुल फॉर्म होती है टंगस्टन इनर्ट गैस, TUNGSTEN, स्पेलिंग ए लिख रहा है इसमें, इसको ई कर लेना, ठीक है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। और MIG की फुल फॉर्म होती है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। TIG की फुल फॉर्म टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, और MIG की फुल फॉर्म मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। TIG को एक और नाम बताया मैंने GTAW, जिसका मतलब होता है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, TUNGSTEN, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं इसको, और MIG को बोलते हैं गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है, GMAW भी इसको बोलते हैं। तो आपको याद रखने हैं इनके नाम, फुल फॉर्म भी याद रखनी है, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, डोंट वरी, आपको बस सारे पॉइंट्स क्लियरली होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए किसको क्या क्या नाम इनके हो सकते हैं, तो क्वेश्चन किसी तरीके से भी घुमा करके आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। GTAW, GMAW, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस इनर्ट गैस वेल्डिंग, ये आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, जो आपकी TIG वेल्डिंग है, इस TIG वेल्डिंग में हम टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, और आपको पता है कि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब जब आर्क जनरेट होती है तो उस आर्क के टेम्परेचर से टंगस्टन पिघलता नहीं है, तो जब टंगस्टन नहीं पिघलेगा तो वेल्डिंग करने के लिए हमें अलग से फ्लर मेटल की जरूरत होती है, इसीलिए हम इसमें अलग से फ्लर मेटल यूज करते हैं। चलो पहले वन बाय वन डिफरेंस बताने से पहले मैं आपको TIG का डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ क्लियरली, ठीक है, इन दोनों के डायग्राम बताऊंगा तब आपको क्लियरली और चीजें समझ में आ जाएंगी। ये आपका डायग्राम है TIG का, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग का डायग्राम आप देख रहे हो, इज इट विजिबल टू यू, दिख रहा है क्लियरली? यस सर। चलिए तो इस TIG वाले डायग्राम में देखिए, राइट साइड में आपको एक सिलेंडर दिख रहा है ना, ये वैसा ही सिलेंडर है जैसा हम लोग गैस वेल्डिंग में बना चुके हैं, वैसा ही आपको एक सिलेंडर बनाना है और लिखना है इनर्ट गैस सिलेंडर, ठीक है, इनर्ट गैस सिलेंडर जिसमें आर्गन और हीलियम गैस भरी होती है, या तो आर्गन भरी होगी या हीलियम, और आपको पता है भाई ये दोनों गैस कैसी है, इनर्ट गैस है, मतलब इन गैसेस की बाकी किसी गैसेस से कोई भी रिएक्शन नहीं होती है ना, कोई रिएक्शन होती है क्या, इनर्ट गैसेस की कोई रिएक्शन नहीं होती, ये किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती, इसीलिए इसमें हम इनर्ट गैस भरी रहते हैं। अब बाई चांस क्वेश्चन पूछा जाता है कि TIG वेल्डिंग या MIG वेल्डिंग में कौन सी इनर्ट गैस यूज करते हैं, हीलियम दिया है ऑप्शन में, आर्गन दिया है, और बाकी और कोई ऑप्शन दिए हैं। अब बोला कि सर हीलियम भी आपने बताया था, आर्गन भी बताया था, तो हम कौन सा लगाएं, और दोनों वाला ऑप्शन है नहीं इसमें, तो आप क्या करोगे, आर्गन आपको पहले नंबर पे लेना है, दूसरे नंबर पे हीलियम लेना है, अगर आर्गन और हीलियम दोनों प्रेजेंट है तो आपको आर्गन पे टिक करना है, और अगर हीलियम हीलियम केवल दिया तो आपको हीलियम पे टिक करना है, इज इट क्लियर? यस सर।
पहला नंबर देना आर्गन को और दूसरा नंबर देना है हीलियम को, ठीक है? इसमें तो नियोन भी लिखा है। हाँ नियोन भी लिखा है, NUN, NEON, नियोन भी लिखा है, बिल्कुल नियोन भी है। नियोन वैसे नहीं दिया जाता है, आर्गन और हीलियम ही ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है? नियोन फिर महंगी ज्यादा हो जाती है, इसीलिए आर्गन हीलियम नियोन ये सारी गैसेस होती हैं, ठीक है? चलिए इसके ऊपर प्रेशर गेज लगे होते हैं, प्रेशर रेगुलेटर लगे होते हैं। प्रेशर गेज का काम क्या होता है, प्रेशर रेगुलेटर का काम क्या होता है, ये चीजें मैं गैस वेल्डिंग में आपको बता चुका हूं, है ना? तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूं, कर रहा हूं। फिर आप देख रहे हो यहां से एक वायर, ये वायर नहीं है, ये पाइप, ये गैस की सप्लाई का वायर जा रहा है, ठीक है? ये गैस की सप्लाई जा रही है यहां से पाइप, होस पाइप के थ्रू। फिर हम चलते हैं एक और तरफ, लेफ्ट में चलते हैं, यहां देख रहे हो पावर सप्लाई रखी हुई है, ठीक है? तो इस पावर सप्लाई में दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल जो होता है पावर सप्लाई का वो कनेक्ट होता है वर्कपीस से। ये आपका वर्कपीस है, वर्कपीस WORK PIEC, ये आपका वर्कपीस है, शॉर्ट में WP लिखते हैं वर्कपीस को, ठीक है? ये आपका वर्कपीस हो गया। और ये जो आप देख रहे हो दूसरा जो टर्मिनल है पावर सप्लाई का, वो दूसरा टर्मिनल आपके टंगस्टन के इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होता है, ठीक है? ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड का जो एरो बनाया है वो गलत बनाया है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड आपका ये वाला है, ये वाला, ठीक है? बीच में देख रहे हो ना, इस रॉड के बीच में एक वो निकली हुई है शाफ्ट सी, ये रॉड निकली है ना, इस ये टोटल आपकी बाहर कॉन्टेक्ट ट्यूब है, इस कॉन्टेक्ट ट्यूब के अंदर है जो भी चीजें हैं। तो इस कॉन्टेक्ट ट्यूब के अंदर आप देख रहे हो ये जो एंड पॉइंट, जिसका एंड पॉइंट बाहर निकला हुआ है, ये एक रॉड निकली हुई है बाहर, है ना? ये आपका टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, ये आपका कौन सा इलेक्ट्रोड है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड। ये नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, कैसा है? नॉन कंज्यूमेबल, NON, नॉन CONSUMABLE। कंज्यूमेबल क्या होते हैं, जो वेल्डिंग करते टाइम उनका जो साइज होता है वो कम होता जाता है। नॉन कंज्यूमेबल क्या होते हैं, जिनका साइज कम नहीं होता है, ठीक है? तो ये टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है। इस हीट से देखो टंगस्टन की स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, TUNGSTEN, TEN होगा, TIUN नहीं होगा, TEN होगा, TUNGSTEN, टंगस्टन, ठीक है? इसकी स्पेलिंग करेक्ट है। तो ये टंगस्टन का नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड होगा, आपको इस पर टिक कर देना। ये हालांकि इन्होंने जो एरो दिखाया है वो कॉन्टेक्ट ट्यूब पे दिखाया है, वो कॉन्टेक्ट ट्यूब पे नहीं जाएगा, इसके बीच में, इस ट्यूब के बीच में आपको दिख रहा है एक वो दिख रही है रॉड, वो रॉड है आपकी टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ठीक है? नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड। नॉन कंज्यूमेबल इसलिए बोल रहे हैं, देखो बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो बल्ब यूज किए जाते थे पहले, उसका जो फिलामेंट होता था, तंतु जो होता था, जो लाइट, जहां से लाइट आप देखते हो कि जलता है यहां पे, तो वो भी तंतु फिलामेंट का बना होता है, और वो हाई, उस हाई हीट की वजह से भी मेल्ट नहीं होता है, ठीक है? इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। तो जब हम आर्क, ये जो फिलामेंट है, ये जो आपका इलेक्ट्रोड है टंगस्टन का, ये केवल और केवल आर्क जनरेट करेगा, मेल्ट नहीं होगा। जब ये आर्क जनरेट करेगा मेल्ट नहीं होगा, इसका मतलब मेल्ट करने के लिए, ज्वाइंट बनाने के लिए हमें फ्लर रॉड अलग से यूज करनी है। तो देखो हमने इसमें अलग से फ्लर रॉड यूज की गई है, ठीक है? टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है, नॉन कंज्यूमेबल है। तो पावर सप्लाई का एक टर्मिनल तो आपका इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होता है, और दूसरा टर्मिनल पावर आपका वर्कपीस से कनेक्टेड होता है। इसमें आपको एक बात और याद रखनी है, जो आपका वर्कपीस है इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देना है। ये जो वर्कपीस है आपका, इस वर्कपीस में भाई कुछ मेटल तो डिपॉजिट हो चुका होगा ना पहले से, ठीक है? वेल्ड बिट बनी होगी, जैसे हम पहले डायग्राम अब तक यूज करते आए थे, मैं आपको बताता कि लेफ्ट साइड में थोड़ा सा वर्कपीस पे हम वेल्ड बिट कलेक्ट कर देंगे, और बीच में क्या क्या दिखा देंगे, यहां पर मोल्टन मेटल दिखा देंगे, है ना? बीच में मोल्टन मेटल दिखा देंगे, वेल्ड पुल दिखा देंगे, तो वो इसमें दिखाना है आपको। और ये जो मोल्टन मेटल पिघला हुआ है थोड़ा पॉइंट पॉइंट में दिखा देना, ये आपकी आर्क जनरेटेड दिखा देंगे साइड में, ये आर्क जनरेट हो रही है, ठीक है? अब होगा क्या, आर्क जनरेट होगी, मोल्टन मेटल आपका यहां पर है, मोल्टन मेटल, और वेल्ड पुल ये है, ये आपका ये वेल्ड पुल दिखाना है, ये आपका वेल्ड पुल, ये सारे पॉइंट दिखाने हैं, ये आपका वेल्ड पुल है। तो होगा क्या कि वेल्ड पुल में आपका जो मोल्टन मेटल कंडीशन में होगा, तो मोल्टन मेटल कंडीशन, मेटल जो होता है वो मोल्टन कंडीशन में होगा, तो एटमॉस्फेरिक की गैसेस इसके अंदर इंटरैप होने की कोशिश करेंगी। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे इसमें कि जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर से
पावर सप्लाई, सॉरी पावर सप्लाई नहीं, जो इनर्ट गैस की सप्लाई है वो ऑन कर देंगे, इनर्ट गैस यहाँ से जाएगी इस कॉन्टेक्ट ट्यूब के अंदर, और जो साइड में देख रहे हो डॉटेड लाइन जा रही है नीचे की ओर, है ना, इस कॉन्टेक्ट ट्यूब में डॉटेड लाइन जा रही है ना, ये एरो में बनाना है, ये डॉटेड लाइन नहीं है, ये एरो बना देना है नीचे की ओर जाते हुए, नीचे की ओर जाते हुए आपको एरो बना देना है इसमें। ये एरो क्या शो कर रहे हैं कि जो आपकी इनर्ट गैस है वो इनर्ट गैस सप्लाई हो रही है सिलेंडर से, और क्या करेंगे जैसे ये इनर्ट गैस, ये जो आपकी कॉन्टेक्ट ट्यूब है उस कॉन्टेक्ट ट्यूब के साइड से निकल जाएगी और एक यहाँ पर क्या करेगी, शील्डिंग प्रोवाइड कर देगी। क्या प्रोवाइड करेगी? शील्डिंग। तो ये लिखा है इनर्ट गैस शील्ड, ये क्या है, इनर्ट गैस शील्ड। तो जो आपकी इनर्ट गैस है वो इनर्ट गैस एक शील्ड प्रोवाइड करेगी, और नीचे वेल्ड बिट दिखा रहा है, वेल्ड बिट का मतलब वेल्ड बिट वो पोर्शन है जो आपका वेल्डिंग करते टाइम यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, वर्क पीस के ऊपर मैंने बताया था कि थोड़ा सा मेटल इकट्ठा हो जाता है डिपॉजिट, लेफ्ट से राइट साइड में जब हम वेल्डिंग करते हुए गए हैं तो यहाँ पर कुछ मेटल इकट्ठा हो गया, तो वो आपका वेल्ड बिट हो गया, ठीक है। इनर्ट गैस की शील्डिंग यहाँ हो जाएगी, समझ में आ रहा है, यहाँ पे इनर्ट गैस की शील्डिंग, अंदर यहाँ पे आर्क जनरेट होगी, तो उस आर्क को बचाने के लिए इनर्ट गैस की शील्डिंग हम इसमें यूज करते हैं। आपका जो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है वो केबल और केबल आर्क जनरेट करेगा, बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपकी TIG MIG और इनके बीच में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं फिनिश करते हैं।